राजधानी लखनऊ के गुड़म्बा थाना क्षेत्र स्थित सरगम अपार्टमेंट के निवासियों ने एलडीए द्वारा वादा खिलाफी करने पर सांकेतिक रूप से एलडीए का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। इस विरोध प्रदर्शन में सृष्टि, सरगम, स्मृति, जनेश्वर, पारिजात तथा सुलभ आवास के सैकड़ों आवंटी जुट गए और लखनऊ विकास प्राधिकरण का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। बढ़ती भीड़ को देखकर प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत पीएसी बल तैनात कर दिया। सरगम अपार्टमेंट के आवंटी प्रभाकर मणि त्रिपाठी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि अपार्टमेंट में सीपेज, बिजली, महिलाओं की सुरक्षा, पार्क आदि की मूलभूत समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके बारे में कई बार एलडीए के अभियंताओं को अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं लखनऊ जन कल्याण समिति के उपाध्यक्ष विवेक शर्मा ने विकास प्राधिकरण पर निशाना साधते हुए कहा कि एलडीए ने अपने आवंटियों से वादा खिलाफी किया है। विवेक शर्मा ने बताया कि सालों से कुर्सी रोड स्थित जानकीपुरम सेक्टर जे विस्तार में बने सृष्टि, सरगम, स्मृति, जनेश्वर, सुलभ आवास में लगातार लिफ्ट फंस रही है। परिसर में आवारा कुत्ते महिलाएं बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। सुलभ आवास की दीवारों में दरार आ रही है तथा अपार्टमेंट के सामने देशी व विदेशी मदिरा की दुकान पर अराजकता का माहौल बना रहता है, जिससे महिलाओं का निकलना मुश्किल हो रहा है। चल ले दीजिए, चल ले दीजिए लखनऊ।